हेलो एवरीवन, आज एक और नया वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और आई एम वेरी मच श्योर कि आपने मेरी सारी वीडियोस अब तक देखी हैं। सो गाइस, एक्सपेरिमेंटल फेज अब ख़त्म हो गया। ये जो 5-6 वीडियो आपने अभी तक देखी, ये चेक करने के लिए थी कि मेरी बातें कितनी आप तक पहुँच रही हैं। तो जैसे मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो ये आ रहा है कि यू ऑल गाइज आर लाइकिंग इट, और आपको समझ में आ रहा है, जैसा कि पर्सनली मुझे लोग व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहे हैं। सो गाइज, अब यहाँ से आपकी भी ड्यूटी अराइज होती है। यहाँ तक मेरी ड्यूटी थी आपको क्वेश्चंस कराने की, अब आपकी ड्यूटी होती है होमवर्क देने की। जब तक मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो तब तक वो आप मुझे नहीं दिखाएंगे, तब तक इन वीडियोस का कोई फ़ायदा नहीं, इन लेक्चर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब से मैं आपको आज दो इम्पॉर्टेंट बातें पहले बोल रहा हूँ रिगार्डिंग दिस, कि मुझे अब होमवर्क चाहिए डेली बेसिस पर आपके ग्रुप्स के अंदर। जो ग्रुप्स के अंदर होमवर्क नहीं भेजेगा उसको एक दो वार्निंग के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा, ये माना जाएगा कि उसने नहीं पढ़ना। ओके गाइस, पहली बात। दूसरी बात ये कि कल या परसों, जैसे भी होगा, आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। आपको हम डाउट क्लासेस के लिए बुलाएंगे जूम ऐप पर। जूम की आपको रूम आईडी दूंगा मैं, मीटिंग आईडी दूंगा, और आपके सारे डाउट्स मैं वहाँ पर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम बता चुके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का, सजल एंड काजल वाला। आज एक नया क्वेश्चन मैं आपको के पास लेके आया हूँ, TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है दोस्त। TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 49। सो ये 49 नंबर क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज, और दिस इज समथिंग डिफरेंट। अब तक हमने जैसे पैटर्न के क्वेश्चन किए थे उससे हल्का बहुत अलग है, ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको सुनिएगा, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्यों अलग है। यहाँ पे आप दो नई बातें सीखेंगे, एक तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट नई तरीके से सीखेंगे, और पिछली क्लास में जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो तरीके हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सो गाइज, ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूंगा, प्लीज सुनिएगा जरा ध्यान से। देखिए क्या है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 1 लैख, ठीक है, 1 लैख है, 50,000 एंड 1 लैख। देयर कैपिटल अकाउंट सी है, शॉर्टकट में लिख दिया, देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस वर ए 10,000 रुपीज, बी 5,000 रुपीज, सी 2,000 रुपीज, लेकिन ब्रैकेट में लिखा डेबिट, समझते हो, डेबिट, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा। जिसकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस में, जिसके सॉरी ये कैपिटल अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट बैलेंसेस है, कैपिटल अकाउंट ये रहे, तो जिसके करंट अकाउंट के बैलेंसेस में सिर्फ अमाउंट लिखी है तो वो अंडरस्टूड है कि वो क्रेडिट बैलेंस है, और जिसके ब्रैकेट में डेबिट लिखा है उसका डेबिट बैलेंस है। अभी होता क्या है, ये डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? देखो, जब किसी की कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में बैलेंस होता है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि कुछ नहीं लिखा होता है, तो क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर बंदे की कैपिटल फर्म के पास जमा है, फर्म के पास जमा है। और अगर किसी बंदे की कैपिटल के ब्रैकेट में डेबिट लिखा है, दैट मीन्स वो नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि उस बंदे ने, जैसे कि अगर हम बात करें सी की कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपये डेबिट बैलेंस, मतलब उसने, सी ने फर्म को पैसे दे नहीं रखे बल्कि फर्म से लेके खा रखे। यूं समझ लो कि किसी बंदे के अकाउंट में 5,000 रुपये फर्म में, और उसने पर्सनली उसके लिए 7,000 रुपये निकाले, वो 7,000 रुपये ले गया, तो अकाउंट में कितने थे, 5, और वो कितने विड्रॉ कर गया, 7,000, यानी कि 2,000 रुपये उसने अपनी लिमिट से ज़्यादा ड्रॉ कर लिया। इसी को डेबिट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव बैलेंस। अब आप और डिटेल में अगर जाना चाहते हैं या दूसरे एंगल से इसको पूछना चाहते हैं, तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है, एक और बात समझाता हूँ। मैं पिछली 4-5 क्लासेस से हमेशा से आपको एक बात बोल रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप नहीं हैं, आप फर्म हैं, फर्म के एंगल से आपको सोचना है, यही तो कह रहा हूँ मैं आपको। तो 11th क्लास में आपको समझाया था कि असेट्स को डेबिट करते हैं और लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। फर्म के एंगल से सोचो, ए की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 50,000 है या ए के करंट अकाउंट का बैलेंस 10,000 है, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, मतलब क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब
फर्म के एंगल से ए का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, मतलब फर्म ने ए के 10,000 रुपए देने, यही तो मतलब है क्रेडिट बैलेंस का। लाइबिलिटी है फर्म के एंगल से, फर्म के दिमाग में टेंशन है कि फर्म ने ए के 10,000 रुपए अगर वो आज अपना हिसाब कर बंद कर दे कि भाई साहब मेरा हिसाब कर दो मैं जा रहा हूँ, तो फर्म उसको 10,000 रुपए देगी, तो फर्म के एंगल से लाइबिलिटी और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, ऐसा आपको 11th क्लास में पता लग गया। तो ए के भी फर्म में 10,000 दे रहे हैं, बी के भी देने हैं, लेकिन सी से लेने हैं। डेबिट बैलेंस, असेट को डेबिट करते हैं, डेटर को डेबिट करते हैं ना, डेटर को डेबिट और क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं। तो फर्म के एंगल से ए और बी क्रेडिट बैलेंस रखते हैं, यानी कि फर्म ने उनके पैसे देने हैं और सी से पैसे लेने हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अ डेबिट बैलेंस। अगला, टू देयर पार्टनरशिप डीड, द पार्टनरशिप पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कैपिटल पर इंटरेस्ट देना कितना परसेंट पर एनम? 10% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। सी पार्टनर है, सी बींग द वर्किंग पार्टनर, सी कुछ काम कर रहा होगा, फॉर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। मैं बहुत दिनों से ये बात समझा रहा हूँ आपको कि पर एनम और लिखा है कि पर मंथ लिखा, बड़े ध्यान से देखना। तो पर एनम की उसको सैलरी देनी है और प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिवाइडेड एज फॉलोज। यही पंच है क्वेश्चन का, प्लीज सुनना। दो नई बातें बताऊंगा मैं आपको, एक तो डिविजन ऑफ प्रॉफिट का नया तरीका, इससे पिछले क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहे हो तो हमने एक अमित एंड विजय वाला क्वेश्चन किया था, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 था, बात खत्म हो गई। सजल एंड काजल वाला क्वेश्चन किया था, उनका रेशियो 2:1 था, बात खत्म हो गई। यहाँ देखो मजेदारी, कह रहा है कि हमारा 10% को हम उनको कैपिटल पर 10% का इंटरेस्ट देना है, सी हमारा पार्टनर है उसको सैलरी देनी है और प्रॉफिट ऐसे बटेगा। कैसे बटेगा? द फर्स्ट 20,000 प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से जो पहले वाले, जो शुरू वाले 20,000 होंगे, फर्स्ट 20,000, वो प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। भाई साहब ये क्या बीमारी है, प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल? अरे कैपिटल देख रहे हो इनकी 50,000, 50,000, 1 लाख, 50,000, 50,000, 1 लाख। जरा इसको सिंप्लीफाई करो, कैपिटल इसका रेशियो बनाओ, इसके जीरो उड़ा दो। अब ऐसे नहीं है जीरो उड़ा दो, कैसे तरीके से, 3-0, 3-0, 3-0, देख रहे हो, 1-0, 1-0, 1-0, यानी कि 4-4 जीरो उड़ा दिए। क्या बचा? 5-5-10, 5-1-5, 5-1-5, 5-2-10। शुरू के जो 20,000 होंगे वो कैपिटल के हिसाब से बटेंगे, ठीक है, और अगले जो 30,000 होंगे वो 5:3:2 में बटेंगे, और अगले जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली बटेगा। अब आपको सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो, अगले अगले अगले, व्हाट इज दिस? फॉर एग्जांपल, आपका जो भी प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, सब कुछ देने के बाद, फॉर एग्जांपल सब कुछ देने के बाद आपका जो प्रॉफिट आया वो 1 लाख आया, एज्यूम लेट्स से। तो कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट आएगा उस 1 लाख में से 3 टुकड़े बनाने हैं उसके। पहला टुकड़ा 20,000 का, फर्स्ट 20,000, वो जो 20,000 है वो बचेगा 1-1-2 में कैपिटल के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। जो अगला 30,000 होगा वो 5:3:2 में, अगला 30,000, और रिमेनिंग बचा हुआ, अबे 1 लाख में से 20 से उड़ गया, 30 से उड़ गया, क्या रिमेनिंग रह गया? 50,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको कुछ तो पॉइंट में आएगा, वो अलग बात है, मैंने एग्जाम्पल ली एक अमाउंट की। तो जो भी प्रॉफिट आएगा, शुरू का 20,000, 1-1-2, ठीक है, 1-1-2, 1:1:2, अगला 30,000, 5:3:2, और उसका अगला इक्वली, इक्वली मतलब 1/3, 1/3, 1/3। यह मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि इक्वल का मतलब होता है दो लोगों तो डिवाइड बाय टू, तीन लोगों तो डिवाइड बाय तीन, चार लोगों तो डिवाइड बाय चार होता है, 1/4 हो जाता है अगर चार लोग होते। अभी तीन पार्टनर है ABC, तो 1/3 हो रहा है। तो मैं एक बार क्वेश्चन आपको ब्रीफ कर देता हूँ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,72,000 रुपये, 1,72,000, इसमें से पहले कैपिटल्स पे इंटरेस्ट देना सबको 10-10%, बंदे को सैलरी देनी है 12,000 रुपये की, सी को, सिर्फ सी को, और जो बचेगा उसका बंटवारा ऐसे होगा, जो भी बचेगा, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ सुनिएगा जरा ध्यान से। ये मैंने अभी क्वेश्चन आपके सामने सिर्फ पढ़ा, अब मैं इसको करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो गाइस बोर्ड पे देखिए, एज यूजुअल आप देख रहे हैं, हम पिछले कई क्लासेस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं।
एक क्लास और रिमेनिंग बची है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, अगली क्लास में इसी के थोड़े से एक्सटेंडेड लेवल के क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो सो गाइस, मैं टेस्ट भी लूंगा आपका, मुझे असाइनमेंट भी चाहिए, और मैंने आपसे अभी अभी बोला कि जो ग्रुप्स पर रिप्लाई नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ऐसा एज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने नहीं पढ़ना, मैं उसको ग्रुप से बाहर कर दूंगा, ऐप से बाहर कर दूंगा। ठीक है गाइस, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो जरा ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा तुमको आपको कई बार कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर जरूर दिया होता है। ये देखो ना, बाय पी एंड एल अकाउंट है ना, कि प्रॉफिट इसे कहाँ से मिला, पी एंड एल अकाउंट से, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना, 172,000। अब करना क्वेश्चन शुरू करो, क्या कह रहा है, कह रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट दीजिए 10%। तो दोस्त कहाँ है कैपिटल, सबसे पहले लाइन में टू IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन है पार्टनर, ए बी सी। प्लीज देखो जरा ध्यान से, कैपिटल 50,000 का 10%, 5,000, अगेन 50,000 का 10%, 5,000, और 1,00,000 का 10%, 10,000, कितना हो गया, 5,000 इसको दे दिया, 5,000 इसको दे दिया, 10,000 इसको दे दिया, तो टोटल कितने पैसे खर्च हो गए हमसे अब तक, 20,000 खर्च हो गए। टू सैलरी, टू सी ओनली 12,000, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पर मंथ नहीं है ना, पर मंथ होता तो 12 से मल्टीप्लाई करते पर एनम है। हाँ, तो देखना हमने इसकी सारी बातें मान ली, मान ली ना, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, प्रॉफिट वर टू बी डिवाइड एज फॉलोज, प्रॉफिट ऐसे बटेगा, प्लीज बोर्ड पे ध्यान से सुनना, प्रॉफिट कैसे बटेगा, देखो कह रहा है द रिमेनिंग प्रॉफिट, अबे रिमेनिंग क्या बचा, सॉरी द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज, पहले 20,000, तो देखो पहले 20,000 का क्या मतलब है, देखो इधर ध्यान से प्लीज, आपको पता है ना कि आया माइनस गया इज इक्वल टू बच गया, अरे क्या आया, 172,000 का हमने प्रॉफिट कमाया था, यू रिमेंबर, 20,000 खर्च हो गया ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में, 12,000 खर्च हो गया सैलरी देने में, मेरे दोस्त 172 में से खर्च हो गए 32, बचा 1,40,000, समझ रहे हो, 1,40,000, इसमें तीन लोगों का अधिकार है, यानी को टू डिविजिबल प्रॉफिट, कौन कौन, ए बी सी। अभी अभी मैंने आपको कुछ करके दिखाया था, प्लीज ध्यान सुनना, प्लीज देखो इधर, 1,40,000 नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचा है, इसके कर लो भाऊजी तीन हिस्से, कितने हिस्से, तीन हिस्से, 140 में से शुरू के 20 कैसे बटेंगे, कैपिटल के हिसाब से 50-50, 1,00,000 सिंप्लीफाई किया था, कैपिटल रेशियो बनाया था तो 1:1:2 आया था, उसके अगले जो 30,000 हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये देखो वो रेशियो में कौन से, 5:3:2 में, 5 और 3, 8 और 2, 10, 5, 3, 2 में, और उसके ऊपर जो बचा रिमेनिंग, अरे 140, 20 लगा दिया ठिकाने, 30 लगा दिया ठिकाने, क्या बचा, 30+20, 50, 140-50 क्या बचा जी, 90 को इक्वली 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, इसको मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान सुनिएगा, मैं इसके नीचे इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ए को क्या मिल रहा है, लिसन केयरफुली, ए को क्या मिल रहा है जी, ए को मिल रहा है मेरे भाई शुरू के जो 20,000 हैं, देख रहे हो ये, इसका 1/4, ये आपको करके नहीं दिखाना, ये मैं आपके सहूलियत के लिए मैंने यहाँ बोर्ड पर रफ लिख दिया, अभी मैं इसको रफ कर दूंगा, ठीक है, इसको आप भले ही वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं उसी एरिया में आपके लिए लिख रहा हूँ जिस एरिया में आपको दिख रहा है, ओके, ए 20,000 का 1/4, यहाँ अगला ब्रैकेट 30,000 का, 30,000 का 5/10,
20,000 का 1/4 ये वाला 1 और 30,000 का ये वाला 5/10 30,000 का 5/10 30,000 × 5/10 और अगले 90,000 का 1/3 प्लीज सिंप्लीफाई इट। क्या आया जी इधर वाले ब्रैकेट से 5,000 इधर वाली ब्रैकेट से 30,000 का 5/10 बोले तो 15,000 और 90,000 का 1/3 यानी कि 30,000 प्लीज सम अप कीजिए तो 30, 45, 50 और इससे पिछले क्वेश्चनों में तुम क्या कर रहे थे कि जो भी प्रॉफिट आएगा 5-3-2 मार देंगे या 3-2-1 में मार देंगे। अभी क्या है कोई आपके दिमाग की थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज करा रहा है और बोला कि ये जो प्रॉफिट आएगा उसको ऐसे बांटेंगे फिर ऐसे बांटेंगे फिर ऐसे बांटेंगे वही काम हो रहा है थोड़ा आपको उलझा दिया उसने शब्दों में। तो क्या मिल गया इसको 50,000 ये यहाँ रख दो ना 50,000 आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एग्री। बी की बात करो बी को 20,000 का 1/4 आपको कहो सर इसका भी तो 1/4 था मैं क्या करूं ये देखो ना 1, 1, 2 पहले ये वाला 1/4 ये था अब ये वाला 1/4 लेंगे अगले ब्रैकेट में से क्या मिल रहा है 30,000 का 3/10 और अगले ब्रैकेट में से 90,000 का 1/3 जरा सॉल्व करना 5,000, 9,000 और 30,000 तो 30, 39 और 5, 44,000 बिकॉज ऑफ स्पेस आप इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हैं ओके। और उसके बाद तीसरा ब्रैकेट सी का 20,000 × 1/4 अब की बार 1/4 नहीं अब की बार 2/4 ये देखिए ना फिर 30,000 का 2/10 और 90,000 का 1/3 देखना मेरे दोस्त 10,000, 6,000, 10,000, 6,000 और 30,000, 40, 6,000 तो बताओ क्या था क्वेश्चन में कुछ भी नहीं ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये मैंने ये दिस इज द वर्किंग नोट अभी एक पीसीए बनाऊंगा मैं नई चीज़ आपको बना के दिखाऊंगा भी एक ठीक है। तो ये ज़रूरत नहीं थी लेकिन इसलिए कि आपको अच्छा समझ में आया इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर कहीं पे साइड में कर दी और आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से 172 का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया सैलरी दे दी इंटरेस्ट प्रॉफिट में से ये दोनों चीज़ें खर्च करने के बाद 172 − 32 = 140 को बांट दिया कैसे ऐसे कैसे ऐसे ठीक है। अगले 10 सेकंड में हम आपसे मिलेंगे पीसीए बनाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जैसा कि मैंने आपसे समझाया था कि मैं क्या सिखाऊंगा आपको आज मैं आपको नई चीज़ सिखाऊंगा नया क्या सिखाऊंगा आज मैं आपको नया सिखाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो पहले 3 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन तैयार कराएंगे और फिर उसको अप्लाई कराएंगे कि क्या होता है ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू 10 सेकंड के बाद दोबारा आपसे मिलेंगे। सो फ्रेंड्स दिस इज द क्वेश्चन मैंने मुझे उम्मीद है कि आपको अलग चीज़ इसके अंदर क्या थी वो कुछ समझ में आया होगा कि हाँ सर बेसिक जो क्वेश्चन हो रहे थे उससे थोड़ा हट के आज हमने क्वेश्चन किया ओके। तो आज ना मुझे कुछ बताना है आपको पहले क्या पार्टनर्स अपनी कैपिटल को दो तरीके से मेंटेन करते हैं मेरे भाई कितने तरीके से दो तरीके से बात कर लें एक बार इसके बारे में। दो तरीके से कैपिटल मेंटेन होती है एक होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है जी कौन कौन सी फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पिछली क्लास में जो आपने कैपिटल सीखी थी वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी सजल और काजल वाली जो मैंने आपको करके दिखाई थी ठीक है। फिक्स कैपिटल क्या होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है पहले इनके नाम से इनका मतलब निकालते हैं। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि स्टेग्नेंसी शो करेगी यानी कि जब पार्टनर्स की कैपिटल एक अमाउंट पर फिक्स हो जाती है जब पार्टनर्स लोग ऐसा अपने मन में सोच लेते हैं कि जनाब हमारी कैपिटल ना बदलेगी नहीं जितनी कैपिटल थी उतनी ही रहेगी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अलावा जब कैपिटल कभी नहीं बदलती है जितनी कैपिटल शुरू में थी उतनी कैपिटल लास्ट में होती है जब कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाता है तो वो फिक्स कैपिटल अकाउंट होती है। और फ्लक्चुएटिंग कौन सी होती है जो
बदलती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है। जब आपकी कैपिटल का बैलेंस शुरू में कुछ और होता है और एंड में कुछ और हो जाता है, शुरू में कुछ ज़्यादा होता है और एंड में कुछ कम हो जाता है, या एंड में शुरू में ज़्यादा एंड में कम होता है, शुरू में कम कम ज़्यादा होता रहता है, इन अदर वर्ड्स, तो वो कैपिटल कौन सी कैपिटल है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ठीक है, तो जब कैपिटल बदलेगी, ऊपर नीचे जाएगी तो फ्लक्चुएटिंग, स्टैग्नेंट रहेगी, फिक्स रहेगी तो कौन सी है? फिक्स कैपिटल। मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, ठीक है? देखिए, अकाउंट्स मेंटेन्ड, फिक्स कैपिटल अकाउंट में टू सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, टू सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, ठीक है जी। इसमें ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड, देखो ना, परसों की जो कैपिटल थी वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी, यानी कैपिटल बदल रही थी बार बार। तो जब कैपिटल अकाउंट में ही कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सब कुछ उसी अकाउंट में आता है, तो फ्लक्चुएटिंग होता है, बदल जाता है। और फिक्स कौन सा है? जब पार्टनर लोग ये डिसाइड करते हैं कि कैपिटल फिक्स रहेगी, तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा और कुछ नहीं आता, यानी कि कैपिटल के लिए सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, और ये जो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब फिर कहाँ जाएगा? इसके लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका नाम होगा करंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? टू सेपरेट अकाउंट मेंटेन। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट भी वैसे ही होता है जैसे फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, कुछ अलग से नहीं सीखना आपको उसमें, लेकिन बस आपको याद क्या रखना है, जब कैपिटल फिक्स होगी, जब कैपिटल फिक्स होगी तो सिवाय कैपिटल के कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा। वो सारी चीज़ें जैसे कि सैलरी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें जो पहले कैपिटल अकाउंट में जाती थी, अब वो एक अलग से अकाउंट बनेगा, उसका नाम होगा करंट अकाउंट। गॉट इट माय फ्रेंड्स? ठीक है, तो अकाउंट मेंटेन, दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक कौन सा, यहाँ पर दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, यहाँ पर सारा काम एक ही में हो जाता है। ठीक है, तो कैपिटल बैलेंसेस आर जनरली रिमेन्स सेम, और कैपिटल बैलेंसेस चेंजेस, ठीक है, इन द बिगिनिंग एंड एंड, शुरू में कुछ और होगा, एंड में कुछ और होगा, यहां पर फ्लक्चुएटिंग, यहां पर नहीं होगा। यहां क्या लिखा? कैपिटल अकाउंट जनरली रिमेन सेम। एक क्वेश्चन बता रहा हूं जी आपको, चार नंबर बता दिया मैंने आपको, बल्कि पांच नंबर, तीन नंबर का एक क्वेश्चन आएगा थ्योरी का, हो सकता आ जाए कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन आएगा, लिस्ट एनी टू आइटम विच में अपियर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन इट इज फिक्स। क्या पूछ रहा है? कि कैपिटल अकाउंट में आने वाली कोई दो बातें बताइए, क्रेडिट साइड में आने वाली कोई दो बातें बताइए जो कैपिटल फिक्स होती है। आपको हेमंत सर ने क्या सिखाया? हेमंत सर ने आपसे कहा कि कैपिटल जब फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा कुछ नहीं होता। मैंने आप एक वर्ड लिखा, कैपिटल अकाउंट आर जनरली रिमेन सेम, ये जनरली सेम रहते हैं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस होते हैं जब कैपिटल अकाउंट में कुछ आता है। कैपिटल अकाउंट में एक तो कैपिटल का बैलेंस आता है, मैंने कहा आपको किस बात का जवाब दे रहा हूं मैं, लिस्ट एनी टू आइटम विच वे अपियर ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन इट इज फिक्स। जब कैपिटल फिक्स होती है तो कोई दो बातें बताइए, कोई दो बातें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। सुनो, पहली बात, ओपनिंग बैलेंस, कौन सा? ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और दूसरा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एक नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि लिस्ट एनी टू आइटम, कोई दो बातें बताइए, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स हो तो क्रेडिट साइड में कौन सी दो बातें आती हैं? एक तो ओपनिंग बैलेंस और एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ऐसे एक और क्वेश्चन एक नंबर का तैयार हो गया, लिस्ट एनी टू आइटम विच में अपियर ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन इट इज फिक्स्ड। कैपिटल अगर फिक्स्ड हो तो कौन सी दो बातें डेबिट साइड में आती हैं? हेमंत सर ने तो कहा कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं बोला हेमंत सर ने, हेमंत सर ने बोला जनरली रिमेन सेम। तो क्या कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो दो चीजें डेबिट साइड में आ सकती हैं? क्या? एक तो क्लोजिंग बैलेंस और एक परमानेंट ड्रॉइंग। खाली ड्रॉइंग लिख दो ना गलत हो जाएगा, क्या परमानेंट ड्रॉइंग वर्ड लिखना है, ठीक है? तो परमानेंट अगर कैपिटल विड्रॉन करी है तो एक होती है ड्रॉइंग, ठीक है, ये अपने हाउस होल्ड खर्चे के लिए पैसे ले गया, एक होता है परमानेंट ड्रॉइंग, जो मेरी कैपिटल 2.5 लाख है, ये बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं 1 लाख रुपए अपने घर ले जा रहा हूँ, फालतू पड़े हुए पैसे यूज नहीं हो पा रहे, तो ये क्या है? परमानेंट ड्रॉइंग, अब अगला लाएगा ही नहीं कभी, और
और वो क्या है, नॉर्मल ड्राइंग क्या है, नॉर्मल ड्राइंग क्या है, नॉर्मल ड्राइंग है जो उसने अपने घरेलू खर्चों के लिए निकाले। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो सैलरी मिल रही है, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें से अगर कुछ निकाल रहा है तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, और अगर कैपिटल कम कर ली यानी कि परमानेंट ड्राइंग कर ली तो वो हो गया ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये नहीं आया तो हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई दो आइटम बताइए जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आते हैं जो कैपिटल फिक्स होती है। आंसर क्या है, ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। कोई दो आइटम बताइए डेबिट साइड में आती है तो कैपिटल फिक्स होती है, आंसर क्या है, क्लोजिंग बैलेंस और परमानेंट ड्रॉइंग यानी कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, अब ये जो मैंने बोला इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। परसों भी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, सादल और कादल वाला, अगर आप अपनी कॉपी को पीछे टर्न अराउंड करके देखेंगे तो, पेजेस को टर्न करेंगे तो, आज मैं आपको कैपिटल अकाउंट सिखा रहा हूँ, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स। ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या होगा, तो सुनिए मेरे दोस्त क्या समझाया, कैपिटल जब फिक्स होते हैं तो टू सेपरेट अकाउंट आर मेंटेन, यानी कि दो अकाउंट बनते हैं साहब, ये देखो ए, ये देखो बी, ये देखो सी, ये देखो ए बी और सी, इसका मैं नाम रख दे रहा हूं क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, याद है आपको क्वेश्चन, ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 50,000, बी का था 50,000 और सी का था 1,00,000। आपको हेमंत सर की एक बात याद है कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा और कुछ नहीं आता, भैया ने बाय बैलेंस शीट लिख दिया, इसका काम खत्म, क्योंकि टू सेपरेट अकाउंट आर मेंटेन, दो अकाउंट बनते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, तो दो अकाउंट बनते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दिया फिक्स, 50 और 1,00,000। दोबारा सुनो ना, 50,000 और 1,00,000, तो बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, 50, 50, 1,00,000 और बाय, अगले साल लेके जाना पड़ता है ना, बाय बैलेंस बीडी 50, 50 और 1,00,000। तो एक मिनट का पॉज लेंगे यहाँ पर, ध्यान सुनना प्लीज, एक मिनट का पॉज क्या है, सर आपने कहा था कि हम आपको एक नंबर का क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं, हाँ जी कहा था सर, क्या क्वेश्चन था, कि लिस्ट एनी टू आइटम विच में अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन इट इज फिक्स्ड, क्या आंसर है, ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर होती तो वो यहां आती, तो यही दो आइटम आ सकते हैं अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स हो तो, और लिस्ट एनी टू आइटम विच में अपीयर ऑन द डेबिट साइड व्हेन इट इज फिक्स्ड, दो ये ना, क्लोजिंग बैलेंस और परमानेंट ड्रॉइंग, अभी नहीं है, मैंने आपको अपनी बात पक्की करने के लिए बता दिया, एक बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स, दूसरा जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है ना तो दो सेपरेट अकाउंट बनते हैं, ये तो बनता ही है, एक और अकाउंट बनता है करंट अकाउंट, अरे वैसा ही बनता है जैसे कैपिटल अकाउंट होता है, बस मजबूरी ये है कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो ये सारी चीजें जो यहां डालते थे फ्लक्चुएटिंग वाले केस में, अब यहां नहीं डाल सकते, डाल दूंगा तो बदल जाएगी ना, और कैपिटल बदलनी नहीं चाहिए, तो एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है मजबूरी में, उसका नाम होता है करंट अकाउंट, वो वैसे ही बनता है, उसको बनाने के वैसे ही रूल है जैसे कैपिटल अकाउंट को बनाने के हैं। तो देखो ना, सेम फॉर्मेट नीचे ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके लिए, ये देखिए, अगेन ए, अगेन बी, अगेन सी, अगेन ए बी सी, ओके गाइस, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कौन सा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये कौन है जी, ए बी सी, ए बी सी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, कृपया गौर फरमाएं, बाय बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन, देखो अगर क्वेश्चन आपको याद हो, ए का जो करंट अकाउंट का बैलेंस था वो 10,000 था, ए के करंट अकाउंट का बैलेंस 10,000, बी के करंट अकाउंट का बैलेंस 5,000 था, और सी का डेबिट बैलेंस था, मैंने समझाया था आपको डेबिट बैलेंस का मतलब है इस बंदे ने फॉर्म में कैपिटल, इसने जरूरत से ज्यादा कैपिटल विड्रॉ कर रखी, यानी कि इसने फर्म के 2,000 देने हैं, तो डेबिट बैलेंस का ये मतलब है। ठीक है, अब जो काम तुम वहां करते थे वो यहां कर दो, पहले तुम बाय इंटरेस्ट कैपिटल यहां लिखते थे इसके नीचे, अब यहां लिखनी है, सैलरी तुम यहां लिखते थे, अब यहां लिखनी है,
वो काम जो यहाँ करते थे वो यहाँ करना है, ठीक है। तो सुनो ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था? 5000, ये देखो 5000, ये देखो और 10000, है कि नहीं। सैलरी किसकी थी? किसकी थी सैलरी? सी की, 10000, ओके। और बाय डिविजिबल प्रॉफिट बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका 50, इसका 44 और इसका 46000, तो ये बंद हो गया जी, इसको बंद कर दो। कितना आ गया? 65000, ठीक है, 54000 और 66000, तो 65000, 54000 और 66000 और टू बैलेंस कैरी डाउन सीडी कितना? 65 क्योंकि माइनस कुछ है ही नहीं, 54 क्योंकि माइनस कुछ है ही नहीं, 64 क्योंकि माइनस कुछ है ही नहीं, और बाय बैलेंस सीडी अगले साल क्वेश्चन को बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, 65 54 64। तो मुझे उम्मीद है आज आपने बेहतरीन क्वेश्चन सीखा। आपको नई चीज़ क्या दिखाई थी? ये वाली, अलग तरीके से प्रॉफिट दिखता है। आपको नई चीज़ क्या सुनाई थी? तीन नंबर का एक क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन, तीन नंबर का क्वेश्चन डिफरेंट, एक नंबर का क्वेश्चन कि कोई दो आइटम बताइए जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। सारी बातें खत्म कर रहा हूँ, प्लीज़ सुन ध्यान से। सर हमें सब समझ में आ गया, सर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना भी आ गया, सर हमें करंट अकाउंट बनाना भी आ गया, पर सर हमें यह समझ नहीं आया कि हमको कैसे पता चलेगा कि करंट अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है। दो तरीके हैं साहब, या तो वो ये बोल दे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, तो आपको समझ जाना अच्छा पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो हेमंत सर ने कहा था कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल में कैपिटल के बैलेंस के अलावा कुछ नहीं आता, अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, टू सेपरेट अकाउंट आर मेंटेन, ठीक है। आप कहोगे सर इसमें तो कहीं लिखा नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, आप क्यों बना रहे हो? मैंने बोला ना दो तरीके हैं, पहला तरीका या तो लिखे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, तो अंडरस्टूड है कि तुम्हें करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, या करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो 10000 5000 2000, तो समझ जाना अच्छा करंट अकाउंट का बैलेंस इसलिए दिया क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। तो आई रिपीट, हाउ वुड आई केम टू नो, कैसे मुझे पता चलेगा कि करंट अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है? या तो बोलेगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, या करंट अकाउंट का बैलेंस देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि करंट अकाउंट का बैलेंस तो तभी देता है जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। सो गाइज दिस वॉज द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आप अपनी बुक निकालिए, अपनी बुक निकालिए, मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ, ठीक है, अपनी बुक निकालिए, होमवर्क बता रहा हूँ आपको। सो गाइज आई होप बुक्स आपके सामने हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं 42, 45 और 53। तो गाइज 45 नंबर क्वेश्चन देखो, उसमें आपको दो कॉलम बना रखे हैं, सोहन और मोहन, सिर्फ करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाना है ये, और कौन सा वाला? फ्लक्चुएटिंग वाला, सिर्फ करंट अकाउंट बनाना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सॉरी आई एम रॉन्ग, सर करंट अकाउंट नहीं कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है? शो द फॉलोइंग अकाउंट, फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर सोहन एंड मोहन व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। तो मुद्दा ही खत्म कर दिया, बोल दिया बेचारे ने शरीफ क्वेश्चन है, फ्लक्चुएटिंग शुरू हो जाओ, ठीक है। यानी कि ये कंबाइंड होकर एक ही क्वेश्चन बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, उसी के नीचे ये, उसी के नीचे ये, सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल दैट, ठीक है जी। इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 करना है, ये सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, इसमें करंट अकाउंट बनेगा, सिंपल पी एंडल सिंपल, और क्वेश्चन नंबर 53 अली एंड बहादुर वाला, ये तीन क्वेश्चन आपको करके लेके आने। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मैंने ये अभी तक हम ट्रायल फेज में चल रहे थे, देख रहे थे कि वीडियो क्लासेस कितनी सक्सेसफुल हो रही हैं, मैक्सिमम बच्चा बोल रहा है कि मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो अगर आप सच बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो भैया होमवर्क करके दिखाना पड़ेगा। अब मैं पर्सनली आपसे टच में रहूँगा, ग्रुप जिसको दिक्कत है मुझे कॉल करे, मुझे व्हाट्सएप करे, मैं 100% असिस्टेंस आपको दूंगा, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मैं बताऊंगा, बट अब मुझे होमवर्क चाहिए, ठीक है। नाउ सीरियस हो जाओ, अगर चीज़ें आगे चलानी है तो मैं आपसे पहले भी वादा कर चुका हूँ, मैं आपका फिर वादा कर रहा हूँ कि दो बातें, मुझे होमवर्क चाहिए, दूसरी बात कि अब मैं कल या परसों में से एक दिन जूम पे लाइव आऊँगा या हमारी ऐप पे भी लाइव का ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक चीज़ पे हम लोग लाइव आएंगे। कैसे होगा उसका तरीका मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे आ जाएगा या मैं पर्सनली सारे ग्रुप्स में डाल दूंगा, जैसे भी होगा आपको मैसेज कन्वे हो जाएगा, बट अब मुझे होमवर्क चाहिए, ओके गाइज। तो बी सीरियस, सारी चीज़ें
वैसे ही चलाने की कोशिश करेंगे जैसे लाइव हमारी ओरिजिनल फिजिकल क्लासेस में हुआ करता था। तो गाइस प्लीज़ बी सीरियस, नाउ आई नीड होमवर्क। और अकाउंटेंसी के साथ मैथ्स आप पढ़ रहे हैं मुझे यकीन है, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं मुझे यकीन है, सारे सब्जेक्ट को आप प्रॉपर करेंगे, उनकी प्रेजेंटेशन आपको देखनी है, उनके प्रोजेक्ट्स आपको देखने, जो असाइनमेंट मिल रहा है उसको प्रॉपरली आप देखेंगे प्लीज़ गाइस, ठीक है। तो दोबारा अगली वीडियो के साथ अगली क्लास में दोबारा आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।